बहराइच में सोमवार को उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेस रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर को यूपी के श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 का एम्प्लॉयमेंट हो, सेल्स के आधार पर ना ही किसी कर्मचारी को निकाला जाए और ना उसका स्थानांतरण किया जाए। उन्होंने कहा कि एमआर सरकारी अस्पताल में काम करने से रोका जा रहा है, वह बंद हो। मेडिसिन से जीएसटी हटाने की मांग की गई। पंकज कुमार श्रीवास्तव नाम है, हम यूपी एमएसआरए के मेंबर हैं। हमारी ऑल इंडिया ब्रांच है फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके हम प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं यूपी में। ये श्री भूपेंद्र यादव जी श्रम सेवा आयोजन मंत्री भारत सरकार को संबोधित एक ज्ञापन है जो कि हम लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से दिया है। इसमें हम लोग की टोटल 8 डिमांड है जो कि हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से श्री भूपेंद्र यादव जी को सौंपा। हमारी कुछ मांगे हैं, जो हमारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 है उसका इम्प्लीमेंट हो, जो कि कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट पे आधारित है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और नो विक्टिमाइजेशन ऑफ सेल्स ग्राउंड, जैसे सेल्स के बिहाफ पे किसी लड़के को ना ही निकाला जाए ना ही सेल्स के बिहाफ पे कहीं अन्यत्र ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे कंपनियां कई तरह ट्रांसफ़र करती हैं, बहराइच के लड़के को तिरुवनंतपुरम भेज देंगी या केरला के लड़के को यहाँ बहराइच भेज देते हैं, एक सेल्स ग्राउंड पर ये चीज़ ना हो। इसके अलावा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने से रोका जा रहा है, जो कि हमारा वैधानिक अधिकार है। जहाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा, जहाँ डॉक्टर बैठेगा वहीं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कॉल कर सकता है, क्योंकि हमारा जॉब प्रोफाइल भी इसी तरीके का है। और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट में ये निर्धारित भी है कि एक मेडिकल डिटेलर ही डॉक्टर से उसके ब्रांड के बारे में प्रमोट कर सकता है, जो कि हमारा वैधानिक अधिकार है। इसके अलावा हम लोग मेडिसिन और मेडिकल डिवाइस पर GST हटाने के लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं, जो कि आम पब्लिक के लिए डिमांड है। और डाटा प्राइवेसी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डाटा प्राइवेसी को अपना माना है कि हाँ ये जरूरी है किसी के लिए, और कंपनियां डाटा हम लोग के सर्विलांस पे हम लोग को रखती हैं, कई कंपनियां सर्विलांस पे रखती हैं, तो ये हमारा निजता का हनन है, उसके खिलाफ भी हम लोग का ज्ञापन है। इसके अलावा कुछ कंपनियों से है कि जो भी हम लोग का वर्क नाम है उसको एक प्रिस्क्राइब वर्क नाम बनाएं और जो 8 आवर वर्क है उसको फॉलो कराएं। प्रदेश स्तर पे अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, ये राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और इस ज्ञापन पे अगर इन्होंने कुछ एक्शन लिया तो ठीक, नहीं तो 30 नवंबर को हमारी ऑल इंडिया स्ट्राइक है।